अंतरिक्ष वैज्ञानिक नए ग्रहों की तलाश में हमारे सौर मंडल से बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने करीब 5,100 प्लैनेट्स भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में ही कई ऐसे रहस्य हैं जिसको सुलझाना भी बाकी है। ऐसे ही एक रहस्य का खुलासा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किया है जो मौजूद है नेपच्यून प्लेनेट के पार, यानी उससे भी आगे। वो ग्रह है जिसके बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा वैज्ञानिकों ने किया है। तो आखिरकार ये रहस्य क्या है और ये क्या खुलासा किया है वैज्ञानिकों ने, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आपने प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा, आप उसके बारे में जानते ही होंगे। उसके बारे में ये तो जरूर जानते होंगे कि वो अब हमारा नौवां प्लेनेट नहीं है, क्योंकि पहले हमारे सौर मंडल में 9 प्लेनेट की बात की जाती थी जिसमें प्लूटो एक प्लेनेट था, लेकिन अब उसे ड्वार्फ प्लेनेट कहा जाता है और वो भी नेपच्यून के सीमा के बाहर मौजूद है वो तमाम प्लेनेट। ऐसी ही भीड़ में एक और ड्वार्फ प्लेनेट है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने ये खुलासा किया है, और ये खुलासा कई तरीके से बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक उस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नेपच्यून के बाहर जो ड्वार्फ प्लेनेट मिला है, हालांकि ये पहले से इस ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में वैज्ञानिक जानते थे, लेकिन वहां पर एक ऐसी चीज मिली है, एक ऐसा रिंग मिला है जो उस ग्रह को लगभग सैटर्न की तरह का दिखा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक ये भी दावा कर रहे हैं कि जहां पर उस रहस्यमय छल्ले को, उस रहस्यमय रिंग को वैज्ञानिक देख रहे हैं, वहां पर उसे मौजूद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये सैटर्न के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। तो क्या है ये रिंग और किस तरीके से वहां मौजूद है, और वैज्ञानिक उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए आपको लेकर चलते हैं नेपच्यून की सीमा के बाहर, नेपच्यून के पार इलाके में, जहां पर कई ड्वार्फ प्लैनेट मौजूद हैं और उसी भीड़ का हिस्सा है हमारा प्लूटो। तो उस प्लूटो के पास जो एक ग्रह मिला है, जो एक ग्रह की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक, उसी के आसपास ये रिंग फॉर्म हुआ है, और इस ड्वार्फ प्लैनेट का नाम है क्वावाओर, और इसी के आसपास ये रिंग फॉर्म होता हुआ दिखा है, और इसका खुलासा किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के चियोप्स स्पेसक्राफ्ट ने, और उसने जो ऑब्जर्वेशन किया है उसमें ये बात निकल कर आई है कि इस क्वावाओर ड्वार्फ प्लैनेट के आसपास एक घने पदार्थ वाला रिंग फॉर्म हो चुका है। और हैरान करने की बात यह है कि यह रिंग क्वावाओर के गुरुत्व के प्रभाव से बाहर स्थित है, यानी जहां पर क्वावाओर के ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमा खत्म हो जाती है, उसके ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो जाता है, वहां पर यह रिंग मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इस रिंग के बारे में बताया है कि ये बर्फीले कणों से बना हुआ है, और इतनी पतली ये रिंग है कि ये एक छल्ले के जैसा होने का आभास दे रही है, और ये क्वावाओर के केंद्र से केवल 4,100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि इसका डायमीटर 8,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम दूसरे खगोलीय छल्लों की बात करें तो ये जो रिंग है वो दूसरे खगोलीय रिंग के बिल्कुल उलट है, और ये रोस बॉर्डर के बाहर मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि ये रोस बॉर्डर वो दूरी होती है जहां पिंड का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, जहां पर उसके ग्रेविटी का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, वहां पर पिंड का कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा होता है।
अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इस छल्ले की दूरी क्वावाओर के रेडियस से करीब 7.5 गुना ज्यादा दूरी पर मौजूद है। तो इस रिंग में जो तमाम मटेरियल मौजूद है, जो पदार्थ मौजूद हैं, वो किसी चंद्रमा में क्यों नहीं तब्दील हो गए? और आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्वार्फ प्लेनेट है वो प्लूटो की दूरी से भी आगे सौर मंडल के बाहरी किनारे की ओर मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि इस रिंग की खोज 2018 से लेकर 2021 के दौरान जो तमाम ऑब्जर्वेशन किए गए थे उन्हीं से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद किया गया है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप का उपयोग किया, साथ ही इसके अंतरिक्ष में मौजूद चेयोप्स टेलीस्कोप की भी सहायता ली और उन्हें इसकी जानकारी तब मिली जब क्वावाओर एक सुदूर तारे के सामने से गुजर रहा था। और वैज्ञानिकों के लिए ये रिंग बहुत हैरानी का विषय इसलिए भी है क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि इस रिंग की खोज ऐसे स्थान पर हुई है जहां पर उसका होना संभव नहीं हो सकता, इसलिए इसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। और जिन आंकड़ों की मदद से इस रिंग के होने की पुष्टि हुई है वो तमाम आंकड़े यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने नासा के वैज्ञानिकों के साथ भी शेयर किया है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि नासा के वैज्ञानिक इन छल्लों को देखने के लिए, इन रिंग को देखने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की भी मदद लें, क्योंकि इस रिंग के बारे में जो वैज्ञानिकों का मानना है वो ये है कि जो तमाम फिजिक्स के नियम होते हैं उस नियम के विपरीत इस छल्ले का निर्माण हुआ है। तो आखिरकार इसके तमाम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और किस प्रिंसिपल के आधार पर ये रिंग इस क्वावाओर प्लैनेट के बाहर जहां पर इसके गुरुत्व प्रभाव खत्म हो जाते हैं वहां पर ये फॉर्म हो चुके हैं? क्योंकि अगर हम सैटर्न की बात करें तो उसके जो छल्ले हैं वो उसके गुरुत्व प्रभाव के दौरान ही हैं, यानी उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के अधीन वो छल्ले हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस क्वावाओर की बात कर रहा हूं मैं उसका अपना एक चंद्रमा भी है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात ये भी है कि अगर इस प्लैनेट का, इस ड्वार्फ प्लैनेट का एक चंद्रमा है तो ये रिंग उसके गुरुत्व प्रभाव के बाहर कैसे बन पाया, और अगर ये उसके गुरुत्व प्रभाव के इतना ही बाहर है तो वो एक चंद्रमा के रूप में क्यों नहीं तब्दील हो गया? तो यही तमाम सवाल है जिसको जानने की कोशिश में वैज्ञानिक नए सिरे से जुट गए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।